जय हिंद बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी को TMIS में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा SA1 की परीक्षा सभी अच्छे से हमने पूर्ण कर ली है, अभी हम SA2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज से हम SA2 का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के नौनिहाल जागो, मतलब भारत के बच्चों जो आने वाले भविष्य में आगे आने वाले हैं वो अब जागो, आपको आगे बढ़ना है और देश के लिए क्या करना है उसके बारे में आपको इस कविता में समझाया गया है। तो सबसे पहले, जैसे कि हम हर चैप्टर शुरू करने से पहले उसके वर्ड मीनिंग, जो नए शब्द होते हैं वो समझते हैं, तो उसी तरीके से हम इस पाठ का भी सबसे पहले नए शब्द हैं वो डिटेल में विस्तार में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है जमाना। तो जमाना का मतलब है समय। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे घर में अक्सर हम सुनते होंगे, हमारे दादा दादी हैं या पापा हैं वो कहते होंगे हमारे समय में तो ऐसा होता था, मेरे टाइम में तो ऐसा हुआ करता था। तो उसको बोलते हैं समय, मतलब जमाना जो बीता हो या जो आने वाला हो। दूसरा है वतन। वतन का मतलब है देश। जैसे कि हमारा भारत देश, तो वो क्या है, हमारा वतन, जो हमें जान से भी ज्यादा प्रिय होता है। अगला है विकास। विकास का मतलब है प्रगति, मतलब आगे बढ़ते जाना, डेवलप करते जाना, मतलब आगे बढ़ते जाना, कुछ नया खोज करना, कुछ नए करने की प्रयास करते रहना, तो वो होता है विकास करना, प्रगति करना। जागो, जागो मतलब होता है उठो, मतलब जाग जाओ, अब समय है आपको जागने का, आगे बढ़ने का समय है। जागो मतलब उठना, जागना। अगला है शिक्षण। शिक्षण का मतलब है प्रशिक्षण, मतलब पढ़ाई जो हम अभी कर रहे हैं, तो उसी दिशा में हमको आगे बढ़ते जाना है। तो शिक्षण का मतलब है यहाँ पे प्रशिक्षण लेना, मतलब पढ़ाई करना, आगे बढ़ते जाना, पढ़ते रहना। आगे है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ चीज की रचना करना, कुछ नया खोजना। जैसे कि हम देख रहे हैं आए दिन दुनिया में कुछ नई तरह की चीजें खोज लोग करते जा रहे हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों के बारे में हम देख सकते हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं, रचना करते रहते हैं। तो निर्माण करना मतलब रचना करना, कुछ नया करना। आगे है पिछड़ा। पिछड़ा मतलब दयनीय दशा। जैसे कि हम जानते हैं हमारा देश जो कि है दूसरे देशों से काफी पीछे है, क्यों, क्योंकि हम काफी चीजों का खुद से आविष्कार कर सकते नहीं है, हम दूसरे देशों पे आधार रखते हैं, इसलिए हम क्या है काफी पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं पिछड़ा, मतलब दयनीय दशा, बहुत दयनीय दशा है। आगे है अवसर। अवसर का मतलब है मौका देना, मतलब उसे अगला स्टेज आगे क्या करना है उस चीज के लिए उसे मौका देना। आगे हम जानेंगे एक मुहावरा। आगे जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने मुहावरे पढ़े थे, उसी में से एक मुहावरा हमारे पास दिया गया है, जिसका नाम है लोहे के चने चबाना, मतलब क्या करना, अत्यंत कठिन काम करना, कोई भी बहुत ही कठिन कार्य हो जो हम करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए अक्सर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि ये काम करना तो एक लोहे के चने चबाने के जैसा है। तो उसका मतलब होता है कोई भी अत्यंत कठिन काम, बहुत ही कठिन, कोई हार्ड वर्क करना, उसे हम मुहावरे में किस तरीके से कहेंगे, लोहे के चने चबाना। तो बच्चों, हमने इस कविता के नए शब्द और मुहावरे अच्छे से जान लिए हैं, तो आगे हम चलते हैं इस कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत के नौनिहाल जागो, बदला है अब जमाना, प्यारे वतन के बच्चों विकास की ओर है ले जाना। इसमें हमको कहा जा रहा है कि भारत के नौनिहाल, जो भारत के बच्चों, प्यारे जो बच्चे हो वो अब जाग जाओ, अभी आपके पास समय है आगे बढ़ने का, जाग जाओ, देखो जमाना है वो क्या है, बदल चुका है, लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं, समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। प्यारे वतन के बच्चों, मेरे प्यारे देश के बच्चों, वो अब आप हमारे देश को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करो, आगे ले जाने के लिए तुरंत आगे अभी से मतलब अपना जो काम है वो शुरुआत कर दो। देश निर्माण कहां सरल है लोहे के चने चबाना, तकनीकी शिक्षण जारी, हर तरफ है मारामारी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश निर्माण कहां सरल है, देश का निर्माण करना, देश को एक अच्छी दिशा में ले जाना, उसकी रचना करना, आगे बढ़ना कोई सरल काम नहीं है, वह क्या है, एक लोहे के चने चबाने के समान है, मतलब बहुत ही कठिन काम
है। तकनीकी शिक्षण जारी, चारों तरफ हम देश में देख रहे हैं, जहां भी देखो वहां टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक अलग तरह की लोग तरह तरह के क्या करते जा रहे हैं, नए नए कुछ ना कुछ रिसर्च करते जा रहे हैं। वो क्या है, हमारे देश में भी ये सभी चीजें चालू हैं, हर तरफ है मारी। अब जहां भी देखोगे, जिस तरफ भी देखोगे, हर तरफ क्या है, मारामारी है, जल्दबाजी है, हर तरफ देखो वहां हर तरह की जल्दबाजी लगी हुई है। इसी तरीके से भारत के नौनिहाल जागो, बदला है अब जमाना, प्यारे वतन के बच्चों विकास की ओर है ले जाना, इसलिए आपके पास समय है, अभी जाग जाओ। अगर अभी नहीं जाग पाए तो आगे जाग पाओगे नहीं। इसी तरीके से हमको देश जैसे बदल रहा है, उसी तरीके से हमको बदलते हुए उस राह पर बढ़ना है और हमारे वतन को आगे की दिशा में लेते हुए जाना है, विकास की ओर ले जाना है। पढ़ने का वक्त यही है, बढ़ने का वक्त यही है, अवसर वरदान समझकर ज्ञान की भर लो गागर। मतलब अभी पढ़ने का जो तुम्हारा पढ़ने का समय है, आगे बढ़ने का समय यही है। यदि अभी आप ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो आगे पढ़ पाओगे नहीं। यही वक्त सही है, यही एकदम सही वक्त है जिससे आप एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हो, यही बढ़ने का वक्त है। अवसर वरदान समझकर, यही आपका एक वरदान, मतलब यही आपका क्या है, एक बहुत ही अच्छा सर है, बहुत अच्छा समय है, जो क्या है आपको एक वरदान के समान है। ज्ञान की भर लो गागर, जितना हो सके उतना ज्ञान की गागर भर लो, मतलब जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त कर लो, जितना हो सके उतना दुनिया में से तरह तरह का जो जानकारी है वो इकट्ठी कर लो। भारत के नौनिहाल जागो, बदला है अब जमाना, प्यारे वतन के बच्चों विकास की ओर है ले जाना। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के बच्चों, नौनिहाल जो अच्छे प्यारे बच्चों हो, वो आप जाग जाओ और जिस तरीके से देश बदल रहा है आप भी बदलते जाओ और देश को क्या करो, एक विकास की ओर ले जाने का प्रयास करो। सोचा कभी क्या तुमने, भारत क्यों है पिछड़ा, पढ़ लिख कर तुम विदेश जाते, करते हो विकास उनका। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हमारा देश है वो क्यों पिछड़ा है, क्यों इतना पीछे है, तो उसके पीछे भी कारण कौन है, हम लोग ही हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने देश में पढ़ते हैं, लिखते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं और क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाके उनका विकास करते हैं, वहां जाके उनको अच्छी दिशा में ले जाते हैं, तो वो भी कौन करते हैं, हम ही लोग करते हैं। इसलिए हमें ये सब करना नहीं है, हमें हमारे देश में पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है और जो भी नए नए रिसर्च करने हैं वो सभी हमें यही करने हैं, दूसरे देशों में जाके उनका भला करना नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भारत के नौनिहाल जागो, बदला है अब जमाना, प्यारे वतन के बच्चों विकास की ओर है ले जाना। इसलिए यही सही वक्त है, यही सही समय है, आप अभी जाग जाओ। अगर यदि अभी नहीं जाग पाए तो आगे आप जाग पाओगे नहीं, भारत को अच्छी दिशा में ले जा पाओगे नहीं। इसलिए प्यारे वतन को यदि अच्छी दिशा में ले जाना है तो अभी से उसके पीछे सतत प्रयत्न करते रहो।